रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा सैंडविच। पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए जो मैंने 400 ग्राम चिकन लिया, इसके बारीक बारीक क्यूब बना लिए, ये देखें ऐसे। इसमें मैंने एक कप दही का डाला, ये देखें इसके अंदर एक कप दही, ये एक टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा, या रेड चिली, सुरख मिर्च आधा टी स्पून, या तिक्का मसाला आधा टीस्पून, जीरा पाउडर जे क्वार्टर टीस्पून, हल्दी एक टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर किया हुआ जे हाफ टीस्पून, नमक जे अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, जे हाफ टीस्पून, एक टीस्पून जे लहसुन, एक टीस्पून अदरक। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो गई। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके तकरीबन 20-30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये देखें रेस्ट के लिए रख देंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम डालते हैं 2 टीस्पून ऑयल, ये हमारा जाएगा चिकन। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बन जाने वाली और मज़े की बहुत ज़्यादा बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक रहा है, अब इसको मज़ीद 2-3 मिनट और पकाएंगे। को चेक किया था लेकिन मुझे नमक थोड़ा कम लगा, मैं 1/4 टीस्पून नमक और डाल रही हूँ। आप भी अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी छोड़ दिया, देखो अब जाए इसमें डालेंगे एक कप इस तरह मोटा मोटा कटा हुआ चौक कटा हुआ प्याज, ये चला गया। 2 शिमला मिर्च लेके मैं उसकी मोटी मोटी ऐसे चौक कटिंग कर ली थी, ये जाएगी। इसको इतना पकाना कि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। दो टमाटर लेके उसकी मैंने बीज निकाल के इस तरह कटिंग कर ली। अब इसको थोड़ी देर इसके साथ ही भुनेंगे 1-8 मिनट में, इसको अच्छी तरह से हिला के बाद इसको हाई फ्लेम पे भुना मैंने। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया, अब इसको करेंगे चूल्हा बंद। ये मैंने ली पीटा ब्रेड, अब उसके ऊपर लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस, ये लगाएंगे जो अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लें। अब जो जाएगा हमारा चिकन, इसको अच्छी तरह से लगा लेते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह से इसको फुला लेंगे। अब ये देखें ये हमारी टिक्का सॉस है, जो ऊपर डालेंगे जे ऑरिगानो, जे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये थोड़ी सी 1 पिंच चिली फ्लेक्स, 1/2 मिर्च जे जाएगी। अब जाएगी ये ऊपर हमारी मोज़रेला चीज़, इसके अच्छी तरह से ऊपर लगा लेंगे।
अब जो देखें जो ये अब इस तरह इस साइड पे ऐसे ऊपर रखेंगे, अब ऊपर इसके ऊपर जाएगी फिर दोबारा से मोज़रेला चीज़, जो अब ऊपर डालेंगे ये तिक्का सॉस, दे गई अब ऊपर चिली फ्लेक्स थोड़ी सी गार्निश के लिए डाल देंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करना। कढ़ाई ले ले या पैन ले ले, जो मैंने कढ़ाई लिया अब इसको अंदर से अच्छी तरह से साफ करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा भी लगाऊंगी ऑयल, इस तरह अच्छी तरह ब्रश के साथ अच्छी तरह से चारों तरफ ऑयल लगाएंगे। इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे। ब्रेड उठा के इस तरह इसको रख देंगे, कर देंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, इसको 5 मिनट तक इस तरह ढक के पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से सैंडविच हमारा बन के हो गया बिल्कुल रेडी। अब हम इसकी कर दें कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखें माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच हो गया मुकम्मल। अब देखें देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितना चीज़ी बना। आप भी इस तरह ज़रूर बनाना, ट्राई करना। दें इजाज़त और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।